प्रेजेंटेड बाय वीगार्ड। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और बाकी तो कोई माँ बेटा बेटी की पार्टी है। रिकॉर्ड मतों से अजमेर लोकसभा क्षेत्र या कमल का फूल खिलेगा। आपके सामने कांग्रेस के मिल्कमैन खड़े हैं, तो क्या वो टक्कर में है या नहीं? वो तो उन्हीं को पूछो, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। कांग्रेस कभी आज तक उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी नहीं हटाई, गरीबों को जरूर हटाया। रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर से, तो क्या वो बीजेपी के रास्ते में कांटा बनने का काम कर? देखिए एक्चुअल में क्या आगे आपको पता है, खुद मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मेरा पूरा ध्यान केंद्रित मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पर है, तो वहाँ क्या कुछ इतना मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। कहते हैं राजस्थान में सियासत को ऊट कब किस करवट बैठ जाए कुछ पता ही नहीं चलता। इन दिनों राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, कांटे की टक्कर है। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान में, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार और मौजूदा सांसद भागीरथ चौधरी जी हमारे साथ हैं। तो एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव किस तरफ जा रहा है और किस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो सर कैसे हैं आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और बाकी तो कोई माँ बेटा बेटी की पार्टी है, कोई व्यक्ति की पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी है। कहाँ कांटे की टक्कर है जी? यहाँ तो एक तरफा मामला है और राजस्थान में 25 से 25 सीटें आएगी और अजमेर लोकसभा क्षेत्र में भारी बहुमत से जनता का आशीर्वाद, कार्यकर्ता और हमारे सभी नेताओं का सबका एकजुटता है और रिकॉर्ड मतों से अजमेर लोकसभा क्षेत्र यहाँ कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी जीत के जाएगी। तो इन दिनों तो आप काफ़ी प्रचार में व्यस्त चल रहे होंगे क्योंकि एक चरण का मतदान हो चुका है और आपके चरण में भी अब एक या दो दिन ही अपना बाकी है, तो क्या खाने पीने की फुर्सत मिल पा रही है घर परिवार के लिए? देखिए चुनाव तो चुनाव है, चुनाव तो एक चुनौती है और हम चुनौती के रूप में लेके चलते हैं, परंतु आम जनता और कार्यकर्ता ये चुनाव लड़ रहा है। अकेला कोई भागीरथ नहीं लड़ रहा है, सारे भागीरथ बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। आम जनता लड़ रही है, कार्यकर्ता लड़ रहा है, हमारा संगठन लड़ रहा है, हमारे जनप्रति लड़ रहे हैं, सब एकजुटता से। और भारतीय जनता पार्टी अजमेर लोकसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड मतों से जीत के और यहाँ अब की बार जीत मिलेगी। आपके सामने कांग्रेस के मिल्कमैन खड़े हैं, तो क्या वो टक्कर में है या नहीं है? वो तो उन्हीं को पूछो, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुस्तैद है और जनता तैयार बैठी है, वो देख रही है कब 26 तारीख आए और कब हम कमल के फूल को खिलाएं और कब फिर नरेंद्र भाई मोदी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। आपको सिर्फ अजमेर में नहीं बल्कि राजस्थान में जादूगर कहा जा रहा है। जादूगर कहने की वजह मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कई सांसदों के टिकट काट दिए गए, आप विधायक की लड़े उसमें जीत हासिल नहीं हुई जबकि तीसरे नंबर पर आए, लेकिन फिर भी आपने ऐसा क्या जादू चलाया कि प्रधानमंत्री मोदी और संगठन को आप पर अब भी इतना ही भरोसा है कि फिर से आप पर ही दाव आजमाया है? देखिए मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, यदि पार्टी मुझे कहे कि बूथ पे काम करना तो बूथ पे काम करने के लिए तैयार हूँ। कोई जादू ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी, हमारे संगठन महामंत्री बी एल संतोष जी, उन सभी को उनको सब पता है कार्यकर्ताओं की कदर होती है और कोई ना कोई मेरे पर उन्होंने विश्वास किया है और मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूँगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि पार्टी और कभी जनता पे और हमारे कार्यकर्ता कभी दामन पे दाग नहीं लगने दूंगा और ईमानदारी से हम काम करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और मोदी जी मैं कह रहा हूँ एक साधारण पुरुष नहीं है, जिन्होंने एक दिन का विश्राम किए बगैर, एक दिन की छुट्टी लिए बगैर 10 साल में प्रधान सेवक बनकर जो काम किया है, आज बच्चा बच्चा मोदी मोदी बोलता है और मोदी जी के काम और हमारे यहाँ 3 महीने के अंदर जो हमारे राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार जो उन्होंने काम किए, ERCP मंजूर की है, एक सबसे बड़ा काम हुआ है ये और उसमें हमारा अजमेर लोकसभा क्षेत्र पूरा आ रहा है। फिर उन्होंने जो किसान सम्मान निधि के 2000 रुपये बढ़ाए हैं, फिर उन्होंने गैस सिलेंडर में जनवरी से 450 रुपये किए हैं, तो पेट्रोल डीजल के दाम उन्होंने कम किए हैं, जो पेपर लीक 5 साल में यहाँ के राजस्थान के युवा ठगे गए,
जो परीक्षा दे रहे थे अपने जेवर बेच के, जमीन बेच के जो परीक्षा देते थे, जो ही परीक्षा बैठते थे पता लगता गया पेपर लीक हो गया, उसको उस कलंक को मिटाने का काम किया। और जो भी पेपर लीक किए 86 जने जेल के शिकंजे में, और बाकी जो भी है बचे हैं वो भी जाएंगे। आपने क्योंकि बाकी चीज़ों का नाम लिया और ERCP का नाम लिया, एक स्थानीय मुद्दा है भीसलपुर डैम को लेकर। वो बनाया गया था डैम अजमेर के लिए, लेकिन उसके यहाँ जो पानी है वो जयपुर भी पहुँचाया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को समस्या का परेशानी हो रही है, तो वो उसका क्या समाधान हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की। मैं जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ, मैं जल संसाधन कमेटी का स्थायी समिति का मेम्बर रहा हूँ मैं जी, और सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में 30,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने दिए हैं राजस्थान सरकार, पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार को। 31 मार्च 2024 तक हर घर में नल और जल होने चाहिए था। दुर्भाग्य 30,000 करोड़ रुपए देने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। आज बहुत बड़ा संकट है। और ये हम मानते हैं कि बीसलपुर जो डैम बना है वो अजमेर ज़िले के लिए बना, पहले अजमेर ज़िले को पानी मिले, बाकी बच्चे तो जयपुर चाहे कहीं दे, तो जो अजमेर ज़िला का हक है वो पूरा मिलना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अब डबल इंजन की सरकार बन गई है, जो पानी की समस्या है अजमेर लोकसभा क्षेत्र में ये हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, हर घर में नल और उसमें जल जाएगा। क्योंकि आपने अभी गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम की बात कही, लेकिन जैसे ही ये रेट कम किए गए, आपके विपक्षियों ने आप पर आरोप लगाए कि ये तो चुनावों को देखते हुए कम किए गए, ये आगे देखिएगा चुनाव के बाद फिर बढ़ा दिए जाएंगे। देखिए, उनको किसी ने सौगंध डाल रखी थी क्या? गहलोत जी ने बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, केंद्र सरकार उनको कह रही थी कि राज्य सरकार को जो अधिकार है वेट कम किया जाए, नहीं किया उन्होंने। परंतु जो हमारी मैनिफेस्टो में 2023 में मैनिफेस्टो में हमने कहा कि यदि सरकार राजस्थान में BJP की आएगी तो हम डीजल और पेट्रोल के वेट कम करेंगे, किया। हमने कहा ERCP लागू करेंगे, किया। हमने कहा किसान सम्मान निधि बढ़ाएंगे, बढ़ाया। हमने गैस सिलेंडर 450 रुपये कमिटमेंट किया, किया। हमने जो भारतीय जनता पार्टी कहती जो करती है ये मोदी की गारंटी है, इसलिए ये सब काम होता है। कांग्रेस कभी आज तक, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी नहीं हटाई, गरीबों को जरूर हटाया। वो तो उनके तात्कालीन जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी स्वीकार किया, मैं 1 रुपये भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचते हैं, इसका मतलब 85% उनके कांग्रेस के टाइम में भ्रष्टाचार होता था। आज मोदी जी के टाइम में कोई केंद्र पे कोई उंगली उठा ले देखे कोई, तो ये मोदी जी का कमाल है, जो एक दिन का अवकाश लिए बगैर रात दिन इस भारत माता को परम वैभव पहुँचाने के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, खुशहाल राष्ट्र बनाने के लिए रात दिन एक किए हुए, और बच्चा बच्चा मोदी मोदी बोल रहा है। 26 तारीख का इंतजार है, 26 तारीख कब आए, और जनता तैयार बैठी है, भागीरथ चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये जनता कार्यकर्ता और हमारे जो संगठन और हमारे नेता चुनाव लड़ रहे हैं। आपको जनता पर पूरा भरोसा है, इसी तरह एक और मैं आपकी सीट से थोड़ा बाहर निकलकर प्रदेश की सियासत में एक दो सवाल बस आपसे लूँगा, ज़्यादा नहीं, फिर जल्दी आपको फ्री कर देंगे। रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर से पास ही है, आपके आपके लोकसभा क्षेत्र से अलग है, लेकिन उन्हें भी अपनी जनता पर पूरा भरोसा, और इतना भरोसा है कि उनकी प्रदेश में नहीं देश भर में चर्चा हो रही है, तो क्या वो BJP के रास्ते में कांटा बनने का काम कर रहे हैं? देखिए, एक्चुअल में क्या आगे आपको पता, खुद मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मेरा पूरा ध्यान केंद्रित मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पर है, तो वहाँ क्या कुछ इतना मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि राजस्थान की 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी, कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। कहा जा रहा है कि जोधपुर भी निकालनी मुश्किल हो रही है इन दिनों, देखिए भी उसके साथ साथ कई सीटें हैं, सारी की सारी 25 की 25 सीटें आएगी BJP की, कोई रोकने वाला नहीं है। और प्रधान अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये तय है, ये तय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भागीरथ जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण के मतदान में भी बहुत कम वक्त बाकी है। अब 26 अप्रैल को भागीरथ जी और उनके साथ साथ बाकी उम्मीदवारों की भी किस्मत जो है वो EVM में तय कैद हो जाएगी, और इसका खुलासा जो होगा यानी कि नतीजों का दिन 4 तारीख को बाहर आएगा, 4 जून को नतीजे बाहर आएंगे, जिसमें भागीरथ जी या जो भी जिसकी भी जीत हो उनकी जो है जीत सामने आ जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी राजस्थान और राजस्थान के चुनाव से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए आप देखते रहिए TV9 राजस्थान। नमस्कार। प्रेजेंटेड बाय वी गार्ड।